नमस्कार, बधिरों के लिए खबरों में विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज फॉर हियरिंग इंपेयर्ड में आप अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ हैं। मैं हूं सचिन और खबरों को पेश करेंगी रजनी कालरा। रियो ओलंपिक में रेसलर साक्षी मलिक ने भारत को पहला मेडल दिलवाया है। साक्षी मलिक ने 58 किलोग्राम कैटेगरी की फ्री स्टाइल रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। रेसलिंग में ओलंपिक मेडल जीतने वाली साक्षी पहली महिला खिलाड़ी है। साक्षी ने रेपचेज के फाइनल मुकाबले में किर्गिस्तान की रेसलर एसुलू को 8-5 से हरा दिया। साक्षी ने अपना मेडल देश को समर्पित किया, कहा समर्थन और दुआओं के लिए सभी देशवासियों का थैंक यू। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साक्षी मलिक को जीतने पर बधाई दी। थर्ड के लिए मैच था, वही डिसाइडेबल था कि मेडल है या नहीं है, तो मैं फर्स्ट राउंड में 5-0 से पीछे चल रही थी, तो मुझे ये नहीं था कि तू हार जाएगी या एक बार भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आई। मुझे ये था कि भी तेरे पास 3 मिनट हैं, 3 मिनट लड़ना है, तो 3 मिनट तू अपना बेस्ट देगी तो 100% मेडल हाथ में है। तो मैंने 3 मिनट अपना बेस्ट दिया और मेडल, एक देश के लिए एक मेडल दिया। थर्ड के लिए मैच के पावन पर्व पर भारत की बेटी साक्षी ने हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को नई ताकत दी है। देश की इस बेटी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कश्मीर पर विवादित बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कश्मीर के लिए इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर शब्द का इस्तेमाल किया। पत्रकारों ने दिग्विजय सिंह से 15 अगस्त को दिए गए सलमान खुर्शीद के बयान पर सवाल पूछा था। जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की आलोचना की। बीजेपी ने कहा कि दिग्विजय सिंह के दिल की बात उनके मुंह पर आ गई। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस ने सफाई दी, कहा दिग्विजय सिंह ने अपनी गलती का सुधार कर लिया है। पहले हम लोग अगर विश्वास पैदा करना है कश्मीर में, चाहे इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर हो या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, अगर यहाँ पर विश्वास लोगों के मन में कायम करना है तो बातचीत के जरिए से ही हो सकता है। इससे हालात सुधरेंगे नहीं, बिगड़ेंगे। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर आपने कहा, यह जो मैंने कहा, मैंने कहा है कि जो हिंदुस्तान का कश्मीर है, इसलिए जो हिंदुस्तान में हमारा कश्मीर है, जो कि हमारा हक है, कश्मीर ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा हक है। मेरठ के सरगना से बीजेपी विधायक संगीत सोम फिर विवादों में है। समाजवादी पार्टी ने संगीत सोम का एक वीडियो जारी किया है। समाजवादी नेता अतुल प्रधान का दावा है कि यह वीडियो संगीत सोम की एक पब्लिक मीटिंग का है। आरोप है कि वीडियो में संगीत सोम सरगना से बीएसपी कैंडिडेट इमरान याकूब के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। आरोपों के मुताबिक संगीत सोम ने इमरान याकूब की तुलना पाकिस्तान और खुद की तुलना भारत से की। लोगों से पूछा कि वो तय कर लें कि उन्हें भारत चाहिए या फिर पाकिस्तान। इमरान याकूब हाजी याकूब के बेटे हैं। हाजी याकूब इस बार मेरठ से बीएसपी कैंडिडेट हैं और पिछले चुनाव में सरगना से कैंडिडेट थे। पिछली बार हाजी याकूब को संगीत सोम ने चुनाव में हरा दिया था। दिल्ली में 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर आज बीजेपी के नए दफ्तर की आधारशिला रखी गई। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी। आज सुबह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नए मुख्यालय का भूमि पूजन किया। इस मौके पर अमित शाह के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। बीजेपी का नया दफ्तर 2019 में बनकर तैयार हो जाएगा। करीब 2 एकड़ जमीन पर बीजेपी का यह नया दफ्तर बनाया जा रहा है। दिल्ली में आज एक बेकरी में ब्लास्ट हो गया। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। बेकरी पूर्वी दिल्ली के खुरेजी इलाके में है। बेकरी के ओवन में सुबह करीब 5 बजे धमाका हुआ। हादसे के वक्त करीब 20 मजदूर काम कर रहे थे। ओवन ब्लास्ट में एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चश्मदीदों के मुताबिक ओवन में कोई फॉल्ट था, जिसे ठीक करने के लिए बेकरी मालिक मिस्त्री को लेने के लिए गया था।
लेकिन इस बीच किसी ने अवन का स्विच ऑन कर दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हथियार सप्लाई करने वाले एक गैंग के सदस्यों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सराय कालेखा में हथियारों की सप्लाई की खबर मिली थी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, उन्होंने बदमाशों को रोकने की कोशिश की। बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से 10 विदेशी पिस्टल, 17 मोबाइल, 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं। हथियार पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में लाए गए थे। पकड़े गए बदमाशों का नाम रेहान और कुर्बान बताया जा रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जांच के लिए आज दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर यह आरोप है कि उन्होंने नियमों को नजरअंदाज कर लोगों को मोटी सैलरी पर नौकरियां दी हैं। नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायत दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा सिंह ने ACB से की थी। मुंबई में आज एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। एक्सीडेंट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ। एक तेज रफ्तार होंडा सिटी कार पेड़ से टकरा गई। चश्मदीद के मुताबिक एक महिला कार चला रही थी। पुलिस का दावा है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आने की वजह से एक्सीडेंट हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पेड़ के ऊपर करीब 10 फीट तक चढ़ गई। कार में महिला के अलावा 10 पुरुष सवार थे। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय का रास्ता बंद हो गया है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव के विरोध के बाद मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी मुख्तार अंसारी को पार्टी में शामिल नहीं करने पर सहमत हो गए हैं। SP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद किरणमय नंदा ने इस मुद्दे पर अखिलेश की तरफ से मुलायम सिंह से बात की है। नंदा के मुताबिक पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो फैसला लिया गया था वो बरकरार रहेगा। महाराष्ट्र के भंडारा में BJP विधायक रामचंद्र अवसारे का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में रामचंद्र अवसारे पुलिस थाने के अंदर एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। रामचंद्र अवसारे का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनके ड्राइवर की पिटाई की थी। इसी बात से नाराज होकर अवसारे समर्थकों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिसकर्मी को थप्पड़ मार दिया। रामचंद्र अवसारे के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हालांकि रामचंद्र अवसारे पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने की बात से इनकार कर रहे हैं। रामचंद्र अवसारे ने पुलिसकर्मी की तुलना डकैतों से की और यह भी कहा कि उन्हें अपने किसी भी काम पर पछतावा नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि गोपालगंज में शराब पीने से हुई मौत के मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि अगर जांच में यह बात सामने आई कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है तो पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आरोप है कि बिहार के गोपालगंज में 15 अगस्त को 14 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी। बिहार में 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। पीएम मोदी ने सबसे पहले पूरे देश को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी की कलाई पर छोटे छोटे बच्चों ने राखी बांधी। वहीं राष्ट्रपति भवन में बच्चों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को राखी बांधी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी छोटे छोटे बच्चों से राखी बंधवाई। इसके अलावा यूपी के सीएम अखिलेश यादव को लखनऊ में बच्चों ने राखी बांधी, जबकि RJD अध्यक्ष लालू यादव ने पटना में पीपल के पेड़ को राखी बांधी। मोदी कैबिनेट की सभी महिला मंत्री आज देश के अलग अलग इलाकों में सैनिकों को राखी बांध रही हैं। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी सियाचिन में सैनिकों को राखी बांधने के लिए पहुंची। स्मृति ईरानी सियाचिन जाने वाली देश की पहली महिला मंत्री हैं। इससे पहले कल फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अटारी बॉर्डर पर BSF के जवानों को राखी बांधी थी।